गुड मॉर्निंग एवरी वन आई होप यू ऑल आर वेल वेलकम बैक अगेन बेटा तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर सेवेंटी फाइव प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने इसने पढ़ना है जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस इसके आपने आंसर देने हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है ए फ्रूट बास्केट कंटेन्स फाइव एप्पल्स सिक्स एंड सेवन

फाइव प्लस सिक्स इलेवन इलेवन प्लस सेवन एटीन और फेवरेबल केसेस फेवरेबल केसेस क्यों कौन से होंगे जो एप्पल वाले होंगे क्योंकि उसने एप्पल के बारे में पूछा है तो फाइव तो यहाँ से क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल बाय टोटल तो फेवरेबल आपके पास कितने हैं फाइव और टोटल आपके पास कितने हैं एटीन तो आंसर विल बी फाइव बाई एटीन क्लियर अब देखो नेक्स्ट पार्ट अब यहाँ से देखो probability of getting a prime number, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर तो फाइव बाईट इन आपका कौन सा था फर्स्ट ठीक है बी पार्ट बी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन थ्रोइंग अ डाई अब बताओ अगर किसी डाई को थ्रो करते हो तो आपके पास क्या नंबर आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं टू थ्री एंड फाइव ठीक है 2, 3, 5, तो फेवरेबल केसेस भी आपके पास कितने होंगे थ्री तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इवेंट कितनी हो जाएगी फेवरेबल कितने three, total कितने तो 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 कितना आ गया one by Next question देखो यहां से Next question क्या कह हैं इसने बोला डाइस throw. so, मेरे को पता ना इनमें से कौन सा रिजल्ट जो है वो पॉसिबल हो सकता है ठीक है आपको पता है जब आप डाई को फेंकोगे तो नेगेटिव कभी भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती ठीक है वन से ज़्यादा कभी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्या बचा सिर्फ जीरो यहाँ से देखो वन से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बीच में लाई करती है जीरो और वन के बीच में प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है जीरो और वन के बीच में ठीक है ना तो वन से ज़्यादा होगी ना ज़ीरो से छोटी होगी इसके बीच में हमेशा आएगी ये भी वन से बड़ा है ये भी वन से बड़ा तो कैंसिल हो गए क्या बचा ज़ीरो आंसर आएगा ए नेक्स्ट द प्रोबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी मोर देन किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए वन से ज्यादा अभी अभी बताया द प्रोबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी जीरो द सम ऑफ द ओल प्रोबलिटी हैपनिंग एन इवेंट नॉट हैपनिंग एन इवेंट हमेशा क्या होगी दो, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को प्लस करोगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा वन अइनजोस टू वन दैन फाइंड द प्रोबी गेटिंग अ टेल आप एक बात बताओ जब आप कोई इनको टोस्ट करोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा उसने बोला कि टेल आने की टेल एक ही बार तो आएगा और टोटल केसेस कितने हैं तो यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल ठीक है ये आपके पास टोटल आउटकम्स क्लियर है सबको तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेवन ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर एट आपका क्या कह रहे हैं इन द वर्ड मैथमेटिक्स इज़ द प्रोबर्टी ऑफ गेटिंग अ गेटिंग चूजिंग अ वोवल अब इसके अंदर मेरे को वोवल चूज करने हैं कौन से होते हैं आपको पता है ए आई ओ यू ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस लिखो पहले टोटल नंबर ऑफ़ केसेस कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस यहाँ से कितने बन गए इलेवन तो टोटल हो गए मेरे पास इलेवन ठीक है अब फेवरेबल केसेस की अगर मैं बात करूँ तो फेवरेबल कौन केसेस कौन से जो होंगे जो वो वोवल होंगे वोवल कौन कौन सा यहाँ पे देखो ए ए के बाद ई e. फिर ए फिर आई ठीक है वन टू थ्री एंड फोर ओनली कितने केसेस हैं फोर कितने हैं फोर ठीक है four. तो प्रोबेबिलिटी वोवल आने की कितनी हो जाएगी यहाँ से फेवरेबल केसेस कितने हैं फोर फोर बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने इलेवन तो आंसर आ जाएगा आपका फोर बायन क्लियर मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन वोवल क्लियर ये आपका था एट क्वेश्चन क्लियर नेक्स्ट फॉलोइंग इज अ टेबल शोइंग शोइंगड इन एन एग्जामिनेशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन ओबटेन लेस देन फोर्टी मार्क्स ओबेन लेस देन फोर्टी मार्क्स अब यहाँ पे फोर्टी से कम ये आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और फोर्टी से कम ठीक है यहाँ तक होंगे फोर्टी से कम ठीक है यहाँ पे जो जितने भी नंबर हैं यहाँ तक ये यह क्या होंगे फोर्टी से कम इनको क्या कर दो प्लस कर दो ठीक है टू टू हंड्रेड टोटल स्टूडेंट है टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो गया टोटल तो हो गया टू हंड्रेड फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहे हैं नाइन्थ के फेवरेबल केसेस कितने होंगे फर्स्ट पार्ट के लिए ट्वेंटी फोर ये हो गया सिक्सटी ये ये हो गया 9, ये 9, तो हो गया भी आपका ठीक है तो तो गए कितना कितना आ आ जाएगा 40 से कम मार्क्स के लिए तो नेक्स्ट पे आ जाओ नेक्स्ट इसने बोला ऑप्टेन ग्रेटर इक्वल टू सिक्सटी बट लेस देन एटी ग्रेटर देन और इक्वल टू सिक्सटी तो यानी कि यहां से बट लेस देन एट्टी यानी कि यहाँ तक ये यह कितने नाइन और सेवन तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए तो टोटल तो मेरे पास कितने थे टू हंड्रेड ठीक है और फेवरेबल केसेस अगर बात करूँ मैं यहाँ पे तो फेवरेबल केस मेरे पास कितने नाइन प्लस सेवन यानी कि सिक्सटीन तो प्रोबेबिलिटी इस वाले इवेंट की क्या हो जाएगी सिक्सटीन बाई टू हंड्रेड टू एट ज़ा वन जीरो जीरो टू फोर ज़ा यहाँ से आ जाएगा टू फाइव जीरो आंसर कितना आ गया आपका टू बाई ट्वेंटी सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट देखो उसने क्या बोला 80 एन अबव ठीक है अब मेरे को क्या करना एट्टी और 80 से ज्यादा एट्टी भी होना चाहिए और एटी से अबव भी तो वो वाले केसेस कौन से होंगे ये वाले नीचे वाले तो ट्वेल्व प्लस थर्टी सिक्स ठीक है तो फेवरेबल केसेस मेरे पास कितने हो जाएंगे ट्वेल्व प्लस थर्टी सिक्स तो कितना हो गया यहाँ से एट एंड फोर फोर्टी एट ठीक है और टोटल केसेस कितने थे टोटल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो, तो टोटल मेरे पास कितने थे बच्चे टू हंड्रेड तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट यानी कि थर्ड पार्ट के लिए जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा फोर्टी एट बाय टू हंड्रेड टू टू जू फोर ज़ा टू वन ज़ा जीरो जीरो टू वन टू टू फाइव जीरो टू सिक्स टू टू तो आंसर कितना आ गया क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं कि मेडिकल चेकअप है जिसमें एच बी लेवल चेक किया थर्टी फाइव स्टूडेंट्स का तो वो रिकॉर्ड किया है तो आपके पास ये हैं तो इसने बोला आप ध्यान से देखना इसने बोला एच बी लेवल तो आपके पास ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही हैं एच बी लेवल में देखो एट से टेन टेन से ट्वेल्व ऐसा कुछ गैप है लेकिन उसने बोला एट से कम टू टू का गैप है तो टू तो के अकॉर्डिंग लेके चलो ये बन गया सिक्स टू एट एट टू टेन टेन टू ट्वेल्व ट्वेल्व टू फोर्टीन एंड फोर्टीन टू सिक्सटीन आपके पास ये बन गए अब ध्यान से देखो यहाँ पे टोटल थर्टी फाइव दे दिया अगर आपको दिखे लास्ट वाले में टोटल आपको थर्टी फाइव दिया हुआ है और लास्ट वाले की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी आपको कितनी दे दी थर्टी फाइव तो इसका मतलब ये जो नीचे दिया हुआ ये आपका क्या है कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या दिया हुआ है कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी और कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से जब आपने फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो क्या करना है माइनस करना है ध्यान से देखना मैं ऊपर करके लिख रही हूँ यहाँ पर ये होगी आपकी फ्रीक्वेंसी ठीक है तो ये बन गया थ्री एज इट इज़ इसमें से इसको माइनस कर दो सेवन में से थ्री गया फोर ठीक है थर्टीन में से सेवन गया आपका बना सिक्स इसके लिए सिक्स और ट्वेंटी थ्री में से थर्टीन गया बन गया टेन और थर्टी फाइव में से ट्वेंटी थ्री गया बचा आपके पास ट्वेल्व अब इनको प्लस करके देखो क्या थर्टी फाइव बन रहा है यहाँ पे देखो टेन और सिक्स सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस थ्री सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड फिफ्टीन थर्टी फाइव ठीक है तो आपकी टेबल ये बनेगी ये आपने ध्यान रखना है अब इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है यहाँ पे देखो उसने बोला एच बी लेवल लेस देन टेन टेन से छोटा तो टेन से छोटा कहाँ ये यानी कि फेवरेबल केसेस मेरे पास कितने हो गए बच्चे सेवन ठीक है फोर और थ्री सेवन और टोटल कितने थे थर्टी फाइव तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू सेवन बाय थर्टी फाइव सेवन वन सा सेवन फाइव सा तो कितना आंसर आ गया वन बाय फाइव क्लियर सेकेंड पार्ट में देखो आपको क्या बोला गया है अगर मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट में देखो आपको क्या बोला गया है सेकेंड पार्ट में बोला गया एच बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वेल्व उसने बोला जो आपका एचबी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 बट लेस देन 16 अब देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 यानी कि ये वाली सिचुएशन यानी कि 10 और लेकिन 16 से छोटा तो ये वाला इंटरवल लिया जाएगा 12 प्लस 10 तो यहाँ से फेवरेबल केसेस मेरे पास कितने आ गए 22 और टोटल कितने थे 35 तो प्रोबेबिलिटी बन गई 22/35 क्लियर तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर टेन आई होप इट इज क्लियर टू कलेक्टेड फ्रॉम एन ओल्ड एज होम वी पहली बात तो टोटल निकालने पड़ेंगे तो यहाँ पे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ केसेस टोटल कितने हो गए सिक्स प्लस टेन प्लस सिक्सटीन प्लस एट तो सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन थर्टी टू एंड थर्टी टू प्लस एट इज इक्वल टू फोर्टी ठीक है अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसने पूछा नेचुरल ड्रिंक तो नेचुरल ड्रिंक मेरे पास क्या होती है बेटा दूध ही तो होती है ठीक है जो ऑलरेडी बना बनाया आते हैं ठीक है तो नेचुरल ड्रिंक यहाँ से कौन सी हो गई ठीक है सिक्सटीन तो प्र, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी फर्स्ट की इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ से इसको हटा के लिखूँ तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कैन बी रिटर्न एज सिक्सटीन बाई फोर्टी फोर फोर टेन देन टू एंड फाइव तो आंसर आ गया आपका टू बाय फाइव ठीक है सेकेंड देखो केन्ड जूस तो केन वाला कितना है बच्चे ये ठीक है तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा एट बाय फोर्टी तो ये आ गया वन बाय फाइव क्लियर तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर इलेवन आई होप इट इज क्लियर टू अवरीवन एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच